प्लीज फ्रेंड्स मेरा साथ दीजिएगा, मेरे संग बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़े टाइम की 4-5 दिन की बात है, प्लीज सपोर्ट दीजिएगा और मेरी बात पूरी सुनिएगा, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग अलविंदा राखी। तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत परेशान हूँ और प्लीज मेरी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। मैंने बहुत मेहनत की है यूट्यूब पर यहाँ तक आने के लिए, और जिस चीज़ का कहते हैं ना डर होता है, वैसे भी मेरे साथ अपनों की और गैरों की बददुआएं बहुत हैं, मुझे पता है। क्योंकि लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होता है कि लोग हमारे मुंह पर कुछ भी कहें, हमारा पीठ पीछे। मेरे साथ जो हुआ है ना, पता है कल क्या हुआ मेरे साथ, मेरा फोन खो गया है जिसमें मेरी यूट्यूब चैनल था, ठीक है। और वो फोन खोने के बाद मैं कैसे खोया, कहाँ खोया, बस मैं कहीं भी घर से नहीं गई थी। और मेरा वो फोन, मैं पास में ही एक शॉप है वहां पर मैं उनको टी शर्ट दिलाने गई थी और घर से लेकर गई हूँ वहां। मैंने फोन किस तरीके से मेरे हाथ से छूटा, क्या हुआ, और जस्ट घर पर आते ही मैं तुरंत उनकी शॉप पर वापस गई, लेकिन मेरा फोन नहीं मिला। शॉप मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पर है मेरे घर से। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब दिखाया, लेकिन फोन मेरा नहीं मिला। और कहते हैं ना कि शॉप है शॉप वालों की ही गलती, क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे की लोकेशन जो मुझे सही से प्रॉपर नहीं दिखाई, जो मेरे हाथ क्लोजअप में दिखता कुछ भी था, उन लोगों की गलती भी रही है काफी। अभी मैं फिर से जाऊंगी शाम को अपने हस्बैंड के साथ, अभी लेके उनको शॉप फिर से जाऊंगी, क्योंकि मुझे फोन की इतनी चिंता नहीं है। उसमें मेरा इतनी मेहनत, मेरी इतने टाइम की 1 साल की मेहनत मेरी, और मेरे बेटे के एग्जाम हैं मंडे से, और उसका सारा गूगल पर उसका पढ़ाई का सारा सिलेबस पड़ा हुआ है, वो एग्जाम कैसे देगा, क्योंकि उसने फर्स्ट टर्म के एग्जाम भी नहीं दिए थे कोरोना की वजह से, और ये वाले भी नहीं देगा, तो कितनी दिक्कत। उसमें इतनी इतनी चीजें इस टाइप की, मेरे फोन में सारी आईडी वगैरह। वो तो ये शुक्र है भगवान का कि मैंने अभी 15 दिन पहले ही अपने हस्बैंड के फोन में अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड चैनल का ट्रांसफर किया था, कि 1% अगर मेरा फोन खो जाए या किसी का, तो एक जगह तो मेरा चैनल का वो रहेगा। तो भगवान का शुक्र है कि मुझे, कहते हैं ना भगवान की निगाह सीधी होती है। और मेरी फ्रेंड्स हैं आरएम, उनका बांके बिहारी, ये उनका ब्लॉग बांके बिहारी, और वो उन्होंने पर्सनल कमेंट्स दिया था, सिस्टर मेरा मोबाइल खो गया है और मेरा चैनल भी उसी में था। तो उन्होंने बांके बिहारी की बहुत भक्त हैं, और उन्होंने लिखा दी आप चिंता मत करिए राखी जी, और आपको फोन मिल जाएगा, लेकिन कहते हैं ना जो दर्द समझे वो अपना। आपको तो पता ही है मैं कितनी यूट्यूब पर तरह तरह के अपने सब करने के बाद, घर गृहस्थी के बाद भी एक वीडियो अच्छी सी लाने की कोशिश करती हूँ। और प्लीज आप मेरी परेशानी को समझिएगा और कमेंट्स देते रहिएगा, क्योंकि हस्बैंड के चैनल मोबाइल में ये चैनल पड़ा है, वो तो ऑफिस जाएंगे पूरा दिन, मुझे मोबाइल मिलेगा नहीं, और रात में भी आपको पता है। तो प्लीज मैं कमेंट्स, जब तक अपना मोबाइल और मैं मोबाइल, अब कहते हैं ना खर्चे तो लाइफ में कब आ जाए कुछ नहीं पता, है ना। तो मैं अपनी सहूलियत से लूंगी फोन, और जब तक इनके से ही आपकी वीडियो डालूंगी। हाँ रिप्लाई नहीं दे पाऊंगी, वीडियो लाने की जरूर कोशिश करती रहूंगी। और मैं एक बात आपको बताऊं, मैंने ये यूट्यूब चैनल खोलकर मेरे अपने भी और पराए भी मैंने दुश्मन बना लिया है सबको। मेरे दुश्मन लोग मेरे मुंह पर ही, जिन्हें क्या कहते हैं ना कि आदमी को कोई अच्छा या बुरा, कोई भी काम या आगे बढ़ता नहीं देख सकता। तो जलने वालों की जो कमी होती है ना, वो कहीं भी कम नहीं होती, चाहे अपने हो, चाहे पराए हो, चाहे आस पड़ोस में हो। तो सावधान कैसे रहे आदमी, किसी की बददुआएं किसकी काम आ जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि जलने से ठीक है भगवान हमारे साथ है, ऊपर वाला साथ देगा। और भगवान ने ही साथ दिया मेरा, जो मेरा यूट्यूब चैनल बच गया, कि 15 दिन ही पहले मैंने ट्रांसफर किया था अपने हस्बैंड के चैनल, अपने हस्बैंड के मोबाइल में। कल मैं काफी बिजी रही, क्योंकि मैं पूरा दिन मेरा शॉप पर निकल गया, सीसीटीवी कैमरे 1.5 घंटा वहां रोक रोक के हर चीज देखी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर जहां मैं खड़ी थी मेरा आधा हिस्सा दिख रहा था, उन्होंने आधा हिस्सा मेरा नहीं देखने दिया जिस हाथ में मेरे फोन था, और मैं फोन रख करके कपड़े देखने लगी, वो चीज उन्होंने उधर से कट कर दी। लेकिन किसी को क्या कह सकते है ना, कोई बात नहीं, आदमी की कहते हैं नीयत खराब होती है ना, तो बस
तो प्लीज मेरी सपोर्ट, बस थोड़े टाइम 5-6 दिन की बात है, सपोर्ट बनाए रखिएगा अपनी, ठीक है ना। मैं फोन ले लूंगी, फिर सारे मैसेज आपके, सारी वीडियो पे कमेंट्स करूंगी, आऊंगी आपकी वीडियो पे, तो प्लीज ये मत सोचिएगा, ठीक है ना, मेरा साथ दीजिएगा, इतना आपने दिया है। ओके, मैं अपनी वीडियो लाती रहूंगी, जब तक फोन नहीं ले पा रही हूँ तब तक हस्बैंड के फोन से फोन डा अपना चैनल कंटिन्यू रखूंगी जो भी है। लेकिन मेरा मूड बहुत अपसेट है, मुझे रात भर नींद नहीं आई है ना, क्योंकि मेरी मेहनत, इतनी मेहनत के किसी पानी फिरने का, मैं कहती हूँ ना कि हम लेडीज अपना काम धाम छोड़ करके सारा यूट्यूब पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, बहुत अफसोस होता है। लेकिन भगवान का शुक्र है, भगवान ने मेरा चैनल बचा लिया, वो मैंने 15 दिन पहले ही शिफ्ट किया था दूसरे फोन में। कहते हैं ना भगवान बुद्धि भी वैसी ही कर देता है, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही शिफ्ट किया था कि कहीं एक मेरा फोन खराब हो जाए या खो जाए, और कहते हैं ना भगवान ने शायद मेरी बुद्धि इसीलिए उधर की, नहीं तो आज मेरा चैनल जब बंद हो जाता तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती आप लोग से मिलने के लिए, अपनी इमेज वहां तक जो मैंने अपनी बनाई है ना वहां तक आने के लिए। तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट दीजिएगा, बस 5-6 दिन की बात है। मेरे कमेंट्स की जो भी मेरे संपर्क में है, मेरे भाई बहन, प्लीज, क्योंकि कहते हैं ना आदमी की बुरे वक्त में ही पहचान होती है, आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा। कहते हैं ना बुरे वक्त में इंसान की पहचान होती है, आज मेरा बुरा वक्त है, 5-6 दिन की बात है, मैं फोन ले लूंगी फिर सबका रिप्लाई दूंगी, तो बुरे वक्त में मुझे ये देखना है कि मेरा कौन सच्चा फ्रेंड है यूट्यूब पर, साथ बनाए रखिएगा, और बाकी मेरी बात पूरी सुनिएगा जरूर। फ्रेंड्स, मैं कल कोई अच्छा सा ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं, आपको तो पता है मेरा नेचर है, मेरे मन में बहुत दुख, मेरे मन में भी बहुत दुख तकलीफ है, आपको लगता है ना, सब कहते हैं राखी दी आप बहुत हंसमुख हो सब है, लेकिन मैं अपना दुख तकलीफ एक तरफ रखती हूँ, अपने सारी मेरे अंदर याद नहीं, मैं मुंह फुला कर बैठूँ या कुछ है, अच्छा सा ब्लॉग आपको लेकर आऊंगी, ठीक है ना। परेशानी अपने साथ सबके साथ लगी रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन अपना अच्छा सा ब्लॉग लाऊंगी कल, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।